आदरणीय सभापति जी, आज जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल उठाते हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ के रखा था, क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाब किताब होता है, नॉर्थ ईस्ट से इतनी ही लोकसभा की सीटें हैं, क्या उससे राजनीति में फर्क पड़ता है? कभी कोई परवाह ही नहीं, उसे उनके नसीब पर छोड़ दिया था हमने। हम नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की ओर ताकत से लगे। नॉर्थ ईस्ट पूर्वी एशिया के साथ ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल कनेक्टिविटी उसका गेटवे बन रहा है, और ये जो कहते हैं ना 21वीं सदी भारत की सदी, उसमें ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ये हमें स्वीकार करना होगा। आदरणीय सभापति जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष में जो काम किया है, और अगर पुराने कांग्रेस के हिसाब से साथ उसको अगर तुलना कर दी जाए, हमने जितना काम 5 साल में किया है, इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 साल लग जाते, एक पीढ़ी और चली जाती। हमने इतना तेजी से काम किया है, आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उसके विकास का मूलभूत आधार है, उसको हमने प्राथमिकता दी है, और आज भूतकाल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से कई गुना आगे हम निकल चुके हैं, और हमने उसको करके दिखाया है। आदरणीय सभापति, नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए 10 वर्षों में अनेक प्रयास किए गए हैं और निरंतर प्रयास किए गए हैं, बिना रुके बिना थके, हर एक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किए गए, और उसकी चर्चा कम हुई है देश में, लेकिन परिणाम बहुत ही आशा पैदा करने वाले निकले हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म देता रहा है और आजादी से अब तक ये निरंतर चलता रहा है। हमने राज्यों को साथ बिठा करके सहमति के साथ जितने सीमा विवाद खत्म कर सकते हैं, एक के बाद एक अकॉर्ड करते करते जा रहे हैं। रिकॉर्डेड है, सहमति की रिकॉर्ड है, और उसके लिए जो सीमाओं में किसी को उधर जाना है, किसी को यहां आना है, कहीं रेखा यहां बनाने, कहीं रेखा वहां, वो सारे काम कर चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन, जो हथियारबंद गिरोह थे, जो वहां लड़ाई लड़ते रहते थे, अंडरग्राउंड रह के लड़ाई लड़ते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देते थे, हर काउंटर ग्रुप को चुनौती देते थे, खून खराबा होता रहता था, आज उनको साथ लेकर के स्थायी समझौते हो रहे हैं, शस्त्र सरेंडर हो रहे हैं, जो गंभीर गुनाह के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अदालत को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्याय तंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, संविधान के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के गवर्नमेंट की रचना पे भरोसा करना, ये इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है।